आरंभ में बहुत लंबे समय तक तपस्यारत रहे दोनों, और उसके बाद विधिवत गृहस्थी में प्रवेश करने के पहले भी कर्दम और देवहूति जी ने बहुत यात्रा की। संतान प्राप्ति के पहले यात्रा का विधान हमारे पुराणों ने बताया है। यात्रा तब नहीं कि हम मंदिर की सीढ़ी भी ना चढ़ सके, हमारी सांसें फूल जाए, हम अपने बदले में किसी को भेज दें कि एक लोटा जल चढ़ा देना भगवान अंगारेश्वर को, हम तो नहीं चढ़ पाएंगे। हर बात पुराण ने बताई है, देखो हर बात। यात्रा कब करें? विवाह के तुरंत बाद कर्दम देवहूति यात्रा में निकले हैं कि हम अपने शरीर को तीर्थ भूमि का स्पर्श करा करा के शुद्ध कर लें, और उस शुद्ध धातु से जब संतान का निर्माण हो तो एक दिव्य परंपरा हम जगत को दे सकें।